जुमे की नमाज पर प्रतिबंध की आवाज उठाने और खून से लिखा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूजा शकुन पांडे पर पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मीडिया को दिए एक विवादित बयान पर प्रशासन ने नोटिस देकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं गांधी पार्क थाना पुलिस ने पूजा शकुन पर समाज में विघटन पैदा करने व धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बता दें महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और डॉक्टर पूजा शकुन पांडे की अगुवाई में रविवार को खून से लिखा खत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के रूप में ACM को सौंपा गया। इसमें कानपुर की ताजा घटना सहित आजादी से पहले और बाद की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए जुमे की नमाज पर प्रतिबंध की मांग उठाई गई है। इस दौरान उनके कार्यालय में लगे पंपलेटों व मीडिया को दिए बयान में जुमे की नमाज को लेकर विवादित बातें कही गई। इसका संज्ञान लेते हुए ACM प्रथम कुंवर बहादुर सिंह की ओर से डॉक्टर पूजा शकुन को नोटिस जारी किया गया। रविवार देर रात जारी इस नोटिस में पूजा शकुन से कहा गया है कि जिले में धारा 144 लागू है, जिसके तहत नियम विरुद्ध भीड़ एकत्रित करने, बिना अनुमति कार्यक्रम करने, समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बयानबाजी प्रतिबंधित है।